आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेड़ा की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है और इसकी टेस्ट जो है ना वो बहुत बढ़िया होती है। और कोई भी त्यौहार में आप इस स्वीट्स रेसिपी को ज़रूर बना सकते हैं और इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, सबको बहुत पसंद आने वाली है और इसके इंग्रेडिएंट सभी के घर में ज़्यादातर अवेलेबल होता है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नारियल ली है, साथ में हमने ली है एक कप सूजी। एक नारियल के साथ एक कप सूजी आप मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सूजी एक कप ली है, साथ में एक नारियल। नारियल को हमें पेस्ट बनाना है। नारियल को पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करना है और नारियल जब पेस्ट होगी तब इसकी स्मूथ पेस्ट बनेगी और जिसकी वजह से आपकी पेड़ा खाने में और देखने में और बनाने में दोनों बहुत ही अच्छी होगी। और यहाँ पे एक पैन में हम डाल देंगे 3 टीस्पून घी और साथ में जो सूजी है वो भी हम डाल देंगे 1 कप। तो यहाँ पे जो घी है ना उसे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम में इसे 5 मिनट्स तक रोस्ट कर दे जाना है। लो फ्लेम में आप इसे रोस्ट करें, हाई फ्लेम में रोस्ट बिल्कुल ना करें। तो लो फ्लेम में 5 मिनट्स तक सूजी को रोस्ट करें, इसके कलर हल्का सा चेंज हो जाएगी और इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। घी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने की वजह से इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आती है। तो सूजी हमने अच्छे से रोस्ट कर ली है, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे नारियल की पेस्ट जो हमने पहले से पेस्ट बना के रखी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नारियल अच्छे से पेस्ट हो चुकी है और उसकी वजह से ये बहुत स्मूथ हो चुकी है। अगर आप नारियल को ऐसे पेस्ट करके डालेंगे ना तो इसका एक टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगी और सूजी के साथ ये बहुत अच्छे से मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पेड़ा बहुत अच्छी बनेगी। तो इसी तरीके से आपको इसे मिलाते जाना है, सूजी और नारियल को इस तरीके से, ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे। इसी तरीके से अच्छे से मिला देने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे चीनी। जितना मिठास आपको पसंद है ना उसी के हिसाब से आपको चीनी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है, जितना सूजी उतना ही हमने चीनी ली है। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स करेंगे चीनी को हम इस तरीके से मिलाते जाएंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाता। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम में इसे हमें चलाते जाना है। जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी आप इसे चेक करके देख सकते हैं, अगर आपको लगे मिठास थोड़ा सा कम है तो चीनी और आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से चलाते चलाते जब आप देखेंगे ये पैन से बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाएगी और ये एक डो की शेप ले लेगी, इसका मतलब ये तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और सूजी नारियल के साथ अच्छे से मिल चुकी है और ये पैन से बिल्कुल अलग हो रहा है, इसका मतलब ये तैयार है। अब इसमें से आप इसकी कोई भी शेप इजीली से दे सकते हैं। तो बस अभी ये तैयार है। इसे मैं एक बार अच्छे से देखिए दिखा देती हूँ कितनी अच्छे से मिल चुकी है और अब ये एक डो की शेप ले रहा है। इसके फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसे हम पूरी तरीके से ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसे मैं एक बाउल में निकाली है और अभी ये पूरी तरीके से ठंडी है। इसमें से आप चाहे तो लड्डू, बर्फी, पेड़ा कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रोस्टेड नारियल ली है और ये सूखा नारियल है। यहाँ पे इसे हमने ली है इस तरीके से, पहले से बना लेंगे लड्डू की जैसा और फिर उंगली की मदद से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। सारी पेड़ा हमने बना ली है, अब जो रोस्टेड नारियल है उसमें आप इसे इस तरीके से लगा लेंगे ताकि ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी इसका टेस्ट थोड़ा अलग से आएगी। तो बस इसी तरीके से जितना भी पेड़ा है हम सेम प्रोसेस में बना लेंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो आप उसे हल्का सा पैन में रोस्ट कर ले। यहाँ पे आप थोड़ा सा पिस्ता को ऐसे बारीक काट ली है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स है तो वो आप इसमें डालें और इस तरीके से साफ करें। आज की पेड़ा की रेसिपी जो देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी है, इसके इंग्रेडिएंट सभी के घर में ज़्यादातर अवेलेबल होता है। कोई भी फेस्टिवल्स में आप इसे बना सकते हैं और दिखने में बहुत अच्छी लगती है। खास करके कुछ ही दिनों बाद दिवाली है, आप चाहे तो इसे दिवाली में साफ कर सकते हैं। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। इसी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।